हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे। और ये जो जो चीज़ आप देख रहे हैं, एक है डीकॉम्पोज किया हुआ काउडंग एंड दूसरा है नॉन डीकॉम्पोज किया हुआ काउडंग। ये जो है ये नॉन डीकॉम्पोज किया हुआ काउडंग है और ये जो है ये डीकॉम्पोज किया हुआ काउडंग है। बहुत सारे ऐसे लोगों की कन्फ्यूजन है कि कौन सा काउडंग यूज़ करना चाहिए, हमें काउडंग को डीकॉम्पोज करना चाहिए या तो डीकॉम्पोज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मैंने इंसिडेंट्स देखे और बहुत सारे लोगों ने भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे जिसमें नॉन डीकॉम्पोज किया हुआ काउडंग लोग अप्लाई करते हैं अपने प्लांट्स के अंदर और रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने नॉन डिकम्पोज किया हुआ काउडंग अपने प्लांट्स में अप्लाई किया है और उन लोग के प्लांट्स मर गए हैं या तो लीव्स डार्क ब्राउन हो गए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक कन्फ्यूज़न लोगों का दूर करने की ट्राई करूँगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेरी नॉलेज के हिसाब से काउडंग को डिकम्पोज करना है कि नहीं करना है वो मैं आज आपको थोड़ी बेसिक्स बता दूँगा। तो हमारे पास है एक नॉन डिकम्पोज किया हुआ काउडंग और जो ये है डिकम्पोज किया हुआ काउडंग। दोनों का अंतर देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा गीला है लेकिन फिर भी इसके अंदर से स्मेल नहीं आती और ये एकदम ड्राई है, थोड़ा भी वेट नहीं है। और इसके अंदर भी एट प्रेजेंट तो स्मेल नहीं आती क्योंकि ये अभी एकदम ड्राई है, लेकिन जब मैं इसको भिगोऊंगा तो इसके अंदर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली जो चीज़ होती है काउडंग के अंदर वो है नाइट्रोजन, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। लेकिन जो चीज़ हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है वो है एमोनिया, जिसकी वजह से और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है। तो फिर कैसे लोग ये नॉन डिकम्पोज किया हुआ काउडंग इस्तेमाल करते हैं और उनके प्लांट्स में रिज़ल्ट अच्छा आता है? तो उसका एक ही रीज़न है फ्रेंड्स कि काऊ जो गाय जो चारा खाती है वो टोटली ऑर्गेनिक चारा खाती हो और उसका जो काउडंग आता है वो काउडंग प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होता। एक ये रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि जो गाय को चारा देते हैं उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स जैसे कि मिक्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स मिक्स होते हैं या तो गाय को ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से उनकी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और वो सब रीज़न्स के लिए ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे इंजेक्शंस और हार्मोन्स दिए जाते हैं काऊ के अंदर, गाय के अंदर। और उसका जो काउडंग निकलता है वो काउडंग अगर हम अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लांट्स वो काउडंग एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और हमारा प्लांट्स मर जाएगा। लेकिन जो गाय को उन लोग ने टोटली ऑर्गेनिकली ग्रो किया हो, मतलब गाय को ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिक चारा दिया गया हो जो 100% ऑर्गेनिक हो, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स या तो इंसेक्टिसाइड्स मिक्स नहीं किया गया हो और जो गाय को अच्छी तरह पाला गया हो, जिसके अंदर गाय को किसी भी टाइप का हार्मोन्स या तो इंजेक्शंस नहीं दिए गए हो, केमिकल इंजेक्शंस या तो केमिकल हार्मोन्स नहीं दिए गए हो, और ऐसी गाय में से जो काउडंग हमें मिलता है वो काउडंग हमारे प्लांट्स के लिए हेल्दी होते हैं। तो लेकिन हमें तो पता नहीं चलता क्योंकि हम हर एक के घर में गाय होती नहीं है। जनरली गाय पाई जाती है गांव में जहां लोग गाय रखते हैं और वो लोग अपने हिसाब से गाय को पालते हैं, और हम ठहरे सिटी के लोग जहां हमें गाय मिलती नहीं है, हमें गाय सिर्फ रास्ते में कचरा खाते हुए या तो कूड़ेदान के पास या तो कोई किसी गौशाला में मिल जाएगी। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि गाय के अंदर कौन सा हार्मोन्स यूज़ करते हैं, मतलब गाय के अंदर वो लोग कौन सा हार्मोन यूज़ करते हैं या तो कौन से इंजेक्शंस डालते हैं जिसकी वजह से गाय की ग्रोथ अच्छी हो और मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। तो हमें वो सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, गाय कौन सा चारा खाती है वो भी हमें अंदाज़ा नहीं होता। इसीलिए हमारे लिए सेफ़ है कि हम डीकम्पोज गाय का गोबर जो भी यूज़ करते हैं वो हम डीकम्पोज करके यूज़ करें, क्योंकि हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि गाय का गोबर जो भी गाय खाना खाती है, जो भी घास खाती है वो टोटली ऑर्गेनिक है और गाय के अंदर जो भी गाय जो पालता है
गाय जो भी पालता है वो आदमी गाय के ऊपर कौन से हार्मोन्स यूज़ करता है, कौन सी दवाइयाँ यूज़ करता है जिसकी वजह से गाय का मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना प्रिकॉशन रखना है कि हम अपने गाय का गोबर जो भी यूज़ करते हैं उसको हम डिकम्पोज करके यूज़ करें, हमें नॉन डिकम्पोज गाय का गोबर नहीं यूज़ करना है। और दूसरी एक फैक्टर ये है कि आप गाय का गोबर जब भी ले वो टोटली ड्राई ले, जैसे कि ये जो है ये कितना ड्राई गोबर है, लगभग ये अगर आप गौशाला में से गाय का गोबर लाए तो उसको या तो धूप में अच्छी तरह महीना या तो 15 दिन, मिनिमम 15-20 दिन एकदम तेज़ धूप में उसको अच्छी तरह सुखा दे। अच्छी तरह सुखाने का यही एक रीज़न है कि उसके अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो डायरेक्ट सन की वजह से वो सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं, और गाय के गोबर के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे प्लांट्स के अंदर नहीं जाएंगे। ये जो गोबर मैं लाया हूँ वो 100 एकदम ही ड्राई है, 100% ड्राई है, क्योंकि जहाँ से मैं गोबर लाया हूँ वहाँ वो लोग गोबर एकदम ड्राई करते हैं, बकायदा वो लोग सनलाइट के अंदर दीवार के ऊपर गोबर लगा के गोबर को एकदम ड्राई करते हैं। तो मैं वहाँ से गोबर लाया हूँ। और दूसरी चीज़ कि ये गोबर मेरे पास 2 महीने या तो 3 महीने से पड़ा हुआ है, वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती हो, तो मतलब सनलाइट कंटिन्यूस इसके ऊपर गिरती रहती है और गोबर के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज़ है वो सभी मर जाते हैं। और उसको मैं डीकम्पोज करता हूँ या तो मैं उसका लिक्विड फॉर्म बना के मैं अपने सभी प्लांट्स में इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मेरे प्लांट्स के अंदर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आती नहीं है काउडंग की वजह से। तो आप भी अपने ये जो गोबर आप लाते हैं उसको अच्छी तरह ड्राई रखें, उसको थोड़ा भी गीला ना रखें, उसको एकदम ड्राई कंडीशन में रखें, और जितना हो सके उसको उतनी धूप दे, या तो महीना, 2 महीना, 3 महीना कंटिन्यूस आप उसको सनलाइट में रखेंगे तो ये गाय का गोबर अगर आप एक बार डायरेक्ट भी यूज़ करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैं वो भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा मेरे घर पर मेरे प्लांट्स के अंदर ये जो ड्राई गोबर है वो मैं अपने प्लांट्स में अप्लाई करके देखूंगा, एक एक पॉट के अंदर मैं अप्लाई करके देखूंगा, उसका भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं विदाउट डीकम्पोज किया और काउडंग में अप्लाई करके देखूंगा। अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई तो मैं ये चीज़ मानूंगा कि अगर हम सनलाइट के अंदर 2 महीने तक ये काउडंग अच्छी तरह ड्राई करके हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्लांट्स के अंदर, सॉइल के अंदर, तो बाद में ये काउडंग हमारे प्लांट्स को कोई हानि पहुंचाएगा नहीं, कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो मैं ये मान लूँगा कि गाय का गोबर हमें डायरेक्ट कभी भी यूज़ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, और हमें हमेशा डीकम्पोज किया हुआ गाय का गोबर यूज़ करना है। जनरली मैं डीकम्पोज किया हुआ गाय का गोबर ही अभी तक मैं यूज़ करता हूँ, जितना भी अगर मैं प्लांट में ऊपर से अप्लाई करता हूँ वो मैं डीकम्पोज किया गोबर ही यूज़ करता हूँ। मैंने आज तक ये विदाउट डीकम्पोज किया गाय का गोबर यूज़ नहीं किया है। लेकिन इतना हमें भी एक प्रिकॉशन रखनी है कि गाय के गोबर को हमें अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, सनलाइट इसको अच्छी तरह दे देनी है जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो सभी निकल जाए, और डीकम्पोजिशन की वजह से जो अमोनिया है वो भी हमारे गाय के गोबर में से निकल जाए, और हमको जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन हमें प्लांट्स को अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक कंफ्यूजन जो बहुत सारे लोगों की थी कि हमें डायरेक्ट गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहिए या तो डीकम्पोज करने करने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, तो लगभग आपको सभी को समझ पड़ गई होगी कि ये गाय का गोबर हमें क्यों डीकम्पोज करना है। क्योंकि डिपेंड करता है कौन से इलाके में, कैसे आप कहाँ पे रहते हो, अगर आप गांव में रहते हो जहाँ पे आप गाय को एकदम ऑर्गेनिक चारा खिला रहे हो और उसका जो गोबर निकलता है वो गोबर 100% प्योर होता है और वो गोबर आप अच्छी तरह सनलाइट में 1.5 महीने 2 महीने तक सुखा देंगे, उसके बाद आप अगर आप प्लांट्स के अंदर अप्लाई करेंगे तो वो गोबर आपके प्लांट्स को शायद हार्मफुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सिटी में रहते हो और आपको पता नहीं है कि गाय गाय से क्या ट्रीटमेंट की गई है और गाय कौन सा चारा खाती है, तो आपके लिए बेटर है कि आप डीकम्पोज किया हुआ काउडंग यूज़ करें।
तो फ्रेंड्स ये एक कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों की थी, तो मैंने थोड़ा कोशिश किया है इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने का। और मैं ये गाय का गोबर मैंने 2 महीने सनलाइट में रख के उसको अच्छी तरह सुखा दिया है, और मैं इसको प्लांट में अप्लाई करूँगा। उसकी एक पूरी एक वीडियो मैं बनाऊँगा, उसकी पूरी एक वीडियो अपलोड करूँगा, और इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स अभी तो ये एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि गाय का गोबर हमें डिकम्पोज करके ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सिटी के लोग, हमको पता नहीं होता कि गाय एक्चुअली कैसे, कौन सा चारा खाती है और कौन सी ट्रीटमेंट गाय के ऊपर की गई है। तो हमें डिकम्पोज किया हुआ गाय का गोबर ही यूज़ करना है एट प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स ये है मेरी छोटी सी वीडियो काउडंग के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स।